अरे ये तो छोटे वाले देवर का फोन है। हेलो, हाँ अच्छा, कल की शाम की गाड़ी से? ठीक है, जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ठीक है ठीक है, तुम्हारे भैया को भी बता दूंगी। बड़ी खुशी की बात है। क्या? अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना, और हाँ ध्यान से आना। ठीक है ठीक है ठीक, जी तेरा। देख आज शाम को मेरा सबसे छोटा देवर आ रहा, और उसे अच्छे अच्छे खाने खाने का शौक है। जरा दो चार अच्छे पकवान बना लिए, और हाँ उससे जरा दूरी रहिए। ठीक है दीदी जी, आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। भैया, भाभी कहाँ हो आप? भाभी, अरे आ गया तू? हाँ भाभी, पाई लगू। और ठीक है तू? हाँ जी सब ठीक। आ बैठ। और बता? बच्ची सब बढ़िया, बताओ। अरे मेरा लाल, मेरा बच्चा, कितने दिन बाद देखा है मैंने तुझे। हाँ मैंने भी बहुत दिनों बाद देखा है, वो पुरानी वाली बात नहीं रही, आपके भी बाल सफेद हो गए, बुड्ढे हो गए। अच्छा मजाक उड़ा रहा है मेरी? हाँ हाँ बेटा ठीक कह रहे हो, जिसके घर में से जवान मर्द चला जाए तो बाल तो सफेद होने। अरे छोटे वाली भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो आजकल? अरे भली चंगी है, उसको किस चीज की चिंता, फ्री की रोटी तोड़ रही। ऐसे क्यों कहती हो भाभी, वो भी तो घर की छोटी बहू है, भगवान ने भी तो उसके साथ जुर्म किया, इतनी छोटी उम्र में उसको विधवा बना दिया। छोटी भाभी के दिल पे क्या गुजरती होगी, सोच के भी दया आती है। बस बस ज्यादा प्यार भी करने की जरूरत नहीं है उसकी, हाथ मुंह धो और चल के खाना खा, बहुत अच्छा खाना बनाया है मैंने तेरे लिए। अच्छी भाभी मेरी प्यारी भाभी, लाखों में एक। हाँ हाँ बस बस हाथ मुंह धो और चल के खाना खा। अरे भाभी आपकी जिंदगी के तो रंग बिल्कुल ही कम हो गए। बहुत बढ़िया, ऐसा जी कर रहा है खाना बनाने वाले के हाथ चूमूं। ले तो चूम, मैंने तो बनाया है खाना। भाभी अब खाना तो हो गया, बस मैं थोड़ा सा नींद की जरूरत है, मैं थका हुआ हूं। अच्छा बेटा अच्छा। सुमन, अरे ओ सुमन, दूसरे कमरे में किशन का बिस्तर लगा, और देखियो पानी का जग और गिलास रख दियो, उसे पानी पीने की आदत है रात को।
सुमन, ओ सुमन, अरे कल मोही काम आ गई। आई दीदी जी। क्या तुझे इतना भी पता नहीं क्या मेहमान के आगे से बर्तन भी उठाने? आखिर तू चाहती क्या है कल मोही? इस घर में शांति रहने देगी नहीं देगी? भाभी आप छोटे वाली भाभी को क्यों बुरा भला कहते रहते हो? तू पानी पी, अगर तेरे कुछ हो गया तो तेरे भैया को क्या जवाब दूंगी मैं? ये तो मनुष्यत है, इसने तो मनुष्यत फैला रखी है पूरे घर में। डायन कहीं की मरती भी नहीं है कहीं जाके, मारा पीछा भी नहीं छोड़ती। अरे चलो छोड़ो भाभी, चलो आओ अंदर चलो। चल तू आराम कर। बड़ी भाभी छोटी भाभी को कितना परेशान करती हैं, उनको भी दुख होता होगा, वो भी तो खैर इंसान है। भैया भाभी मैं गांव घूमने जा रहा हूँ, अभी आ जाओ थोड़ी देर में। ठीक है किशन, घूमो गांव, बहुत दिन हो गए तुम्हें गांव घूमे। ऐसा है दुर्गा, इसकी जिंदगी के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है इसकी जिंदगी ऐसे कटेगी नहीं। ऐसा है जी, इसके बारे में क्या सोचना, एक विधवा के बारे में क्या सोचना है, हमें भी तो समाज में अपना मुंह दिखाना है। आखिर आप करना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि सुमन का अब मैं ब्याह कर दूँ। ये आप क्या कह रहे हो जी, क्या आपको दुनिया का और इस समाज का कोई ख्याल नहीं है? देखो दुर्गा, इस छोटी सी उम्र में वो बेचारी विधवा हो गई, मेरा भाई चला गया, उसमें उसका क्या दोष है? और फिर दुनिया वाले, सोचने दो ना जिसको जो सोचता है। देखो जी, वो आपका भाई जरूर था, तो मेरा भी देवर था, मेरा दिल दुखता है, तो उसमें इसका क्या दोष है? देखो जी, चाहे तुम कुछ भी कहो पर मैं ये नहीं होने दूंगी। हाँ भाभी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? मंदिर गई थी। अच्छा भाभी, वो तो बात ठीक है, पर आप ऐसे इतने नाराज क्यों रहते हो? वो बात तो ठीक है देवर जी, मगर अगर दीदी जी ने देख लिया ना तो मुझे घर से निकाल देंगे और मेरा जीना दुश्वार कर देंगे। ठीक है, इसलिए आप मेरे से ज़्यादा बात ना करो और मेरे से दूर ही रहो, इसी में भलाई है। ठीक है, ओके भाभी। इसके बारे में तो मुझे सोचना पड़ेगा। सुमन कहाँ गई थी तुम? मंदिर गई थी। जिससे तुम मिलके आई हो, क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो? जवाब दो सुमन, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। रुको सुमन, मेरी बात का जवाब दो, क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? क्यों ना जो मैं सोच रहा हूँ वैसा हो जाए और हमारे किशन की शादी सुमन के साथ हो जाए, पर दुर्गा को कैसे समझाऊंगा मैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और हाँ एक बात और, पहले किशन से बात करता हूँ, उसकी मर्जी है या नहीं है ये ठीक रहेगा, दुर्गा को बाद में देख लूंगा। अरे किशन, ओ किशन जी भैया, इधर आया, यहाँ बैठ जरा। हाँ भैया बताओ। तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे। बोलो जी, क्या बात है? तो सुमन के बारे में क्या सोचता है? भैया मैं कुछ सोचता था नहीं उनके बारे में, पर उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। खैर वो भी तो इंसान है। सही कह रहा मेरे भाई, गलत तो हो रहा है उसके साथ। भैया मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो मारोगे तो नहीं?
नहीं मारूंगा तुझे। मैं चाहता हूँ कि मतलब जो उनकी बेरंग जिंदगी है, उनकी जिंदगी में रंग भरना चाहता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ, जो उन्होंने दुख काटे और उनको खुशी में बदलना चाहता हूँ, जो उनसे शादी करना चाहता हूँ। सही कह रहा मेरे भाई। किशन तूने मेरे मुंह की बात छीन ली मेरे भाई, मैं भी यही चाहता था। सुमन की छोटी सी जिंदगी में जितने दुख आए उन दुखों को खुशियों से भर दे। सुमन, ओ सुमन इधर आओ जरा। इधर आओ सुमन। और किशन, मैंने तुम दोनों को एक करने का फैसला लिया है। तुम्हारी इस बेरंग सी जिंदगी में रंग भरने का फैसला लिया है मेरे छोटे भाई ने, किशन ने। क्या तुम्हें मंजूर है सुमन? ठीक है तो फिर हम काली मंदिर में चलते हैं और मैं तुम्हारे दोनों की शादी कराता हूँ। अरे अरे अरे, खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो, तैयारी करो। भगवान जी का आशीर्वाद है। मेरे लिए तो भगवान आप दोनों हो जो मेरे बारे में इतना सोचे। अरे अरे रुको 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 रुको, पहले भगवान का आशीर्वाद लो। भगवान जी का स्थान भगवान का होता है और भगवान से मैं दुआ करूंगा कि तुम कुशल मंगल रहो। चलो भगवान का आशीर्वाद लो। खुश रहो, भगवान करे पूरे जहान की खुशियां तुम दोनों की झोली में आ जाए। बस 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 चलो।